रातों रात करोड़पति बन गया हूँ मैं। वो कैसे? एक अमीरों की स्कीम हाथ लगी है मेरे, 25 दिन में पैसा डबल। भाई मुझे भी लगवा देना। सो हमारे सामने काफी ऐसी स्कीम्स आती हैं जिसमें हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि कम समय में पैसा ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाए। सो देखा गया है हिस्टोरिकली कि 90% ऑफ द केसेस में जो भी इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें लालच होता है कि कम टाइम में आपका पैसा मल्टीप्लाई करेगा, कंपाउंड करेगा, ग्रो करेगा, तो वो स्कीम्स या तो गलत होती हैं या लॉस करके ही बाहर निकलते हैं। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि ऐसी स्कीम से कैसे बचे और आप कैसे एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मैं हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपका फाइनेंशियल लाइफ ना ही इजी हो पाए और एक हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ बन पाए, क्योंकि हरी कंपनी हरी पत्ती की टैगलाइन ही ये है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। तो ऐसा कितनी बार देखा गया है कि बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कम टाइम में आप अपना पैसा बहुत मल्टीप्लाई कर पाते हैं। कभी आप देखते हैं, अपने सर्कल में सुनते हैं, अपनी फैमिलीज में देखते हैं या अपने नेबर को देखते हैं कि उन्होंने किसी स्टॉक में पैसा लगाया था और वो 3 महीने में ही 10 गुना हो गया। चिट फंड कंपनी में पैसा लगाया था और 6 मंथ्स में ही उनको 20 टाइम्स रिटर्न मिल गया। कुछ रियल एस्टेट में पैसा लगाया था जिसमें कि आपको रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं कि आज ही ले लीजिए नहीं तो इसका प्राइस 1 महीने में 20% इंक्रीज हो जाएगा। बिटकॉइंस में लोग इन्वेस्ट करते हैं, नेटवर्क रेफरल स्कीम्स होती हैं, उसमें भी आपको गारंटी दी जाती है और बताया जाता है कि आपका पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा और बहुत ही कम टाइम में। सो आप ये तो एक थंब रूल ले लीजिए कि कम टाइम में कभी भी पैसा ग्रो नहीं होता है। वॉरेन बफे ने भी कहा है नोबडी वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली, तो हमारे में पेशेंस नहीं है कि जल्दी से जल्दी हम रिच होना चाहते हैं, ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं। तो ये स्कीम्स इसीलिए प्रेवलेंट हैं कि आप इन स्कैम्स कह लें, स्कीम्स कह लें, कि जिसमें आपको ओवरनाइट पैसा डबल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि पैसा इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सेम हमने ये देखा मूवी फिर हेरा फेरी में भी यही हुआ कि अक्षय कुमार ने बोला कि 25 दिन में पैसा डबल और उसके कान खड़े हो गए कि 25 दिन में पैसा कैसे डबल होता है, मतलब मेरा भी पैसा डबल कर दो आप। अगर आपने मूवी देखी है तो वो धीरे धीरे उसकी बातों में आता गया और वो लॉसेस भी हुए और वो मूवी उसी के अराउंड है। तो वैसे तो मूवी में देखे तो बहुत ही मजा आया, हमें पता कि वो फन के लिए बनी हुई है तो उस तरीके से, बट एक्चुअल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन स्कैम्स के जरिए अपना हार्ड एंड मनी लूज कर देते हैं। मतलब मैंने मेट्रो सिटीज में भी देखा है, अपने सर्कल में भी देखा है कि वो इन स्कैम्स में आ जाते हैं या इन स्कीम्स में आ जाते हैं जहां पे ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत ही कम समय में पैसा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दुगना चौगना हो जाएगा। इन स्कीम से बचने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो ये मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। ये 5 पॉइंट्स बेसिकली ये पॉइंट्स है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ये 5 पॉइंट्स इंश्योर कर लेंगे कि ये सब है तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत नहीं हो सकता। वी फॉल प्रे टू दी स्कीम्स क्योंकि एक टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हमें लग रहा है कि हमारा नेबर या हमारा रिलेटिव या हमारे फैमिली में कोई ओवरनाइट इतना पैसा ग्रो करा है तो आई नॉट मी, तो मैं भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी या मैं भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा और अपना पैसा ग्रो करना चाहूंगा। सो ये फोमो जो है ना, ये हमें इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करवाता है और उसकी वजह से नुकसान भी होता है। तो सिर्फ फोमो के बेसिस पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट के बेसिस पे कि आप पीछे ना रह जाएं, ये सोचकर इन्वेस्ट ना करें। ये 5 पॉइंट्स जो हम बात कर रहे हैं इनका प्लीज पालन करें सो दैट आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। सो पहला तो जो आपको कंपनी अप्रोच कर रही है कि आपका इतने टाइम में पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा या इतने टाइम में पैसा ग्रो हो जाएगा, तो पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें कि जो कंपनी आपको अप्रोच कर रही है वो कंपनी एक्चुअल में उसका ड्यू डिलीजेंस करें, वो कंपनी एक्चुअल में है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या। और अब तो सबसे ईजी है, मतलब इंटरनेट पे आप नाम डालें सब कुछ अवेलेबल है, उसके रिव्यूज, जो लोगों के पास रिव्यूज हैं, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी, नेटवर्क और लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपके पास सब कुछ सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जो हम जिस टाइम में है तो इस टाइम में तो बहुत ईजी ये चीज चेक करना। आज से अगर 20 साल 25 साल पहले बोलते तो शायद लोग ज्यादा इन स्कीम्स में फंसते, लेकिन आज तो हमारे पास ऑप्शन है और अगर हम ये भी ना यूज करें तो अच्छा नहीं होगा ना फिर। तो बेटर है कि हम ये इन्फॉर्मेशन चेक करें उसके बाद ही इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का प्लान करें। सेकेंड पॉइंट है कि इन्वेस्ट उसी में करें जो चीज आपको समझ आती है, इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट्स दैट यू अंडरस्टैंड। जो आपको चीज समझ में नहीं आती उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये सिंपल रूल है। मतलब अगर हम किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज किसी और ने उसमें पैसा ओवरनाइट डबल करा है या 3 मंथ्स में 20% रिटर्न लिया है, जरूरी नहीं है कि हमारे लिए भी सही है, हमने उस कंपनी के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप उस कंपनी के बारे में पढ़ें तभी उसमें इन्वेस्ट करें, अगर आपको वो समझ में आता है तभी उसमें इन्वेस्ट करें। बिटकॉइंस फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझ में नहीं आता है वो आपका पीस ऑफ माइंड खराब करेगा, या कोई ऐसी चिट फंड स्कीम्स या नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं, एक तो मॉनेटरी लॉस तो होगा ही होगा, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे प्लस आपका पीस ऑफ माइंड भी खराब होगा, रात को नींद नहीं आ पाएगी। तो बेटर है कि आप उसकी रिसर्च करके ड्यू डिलीजेंस करें, फिर कंपनी के बारे में रिसर्च करें और फिर ही इन्वेस्ट करें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप
टाइम लें, आप टाइम लें डिसीजन लेने से पहले। कई बार ऐसे ऑफर्स आते हैं हमारे सामने, रियल एस्टेट ऑफर आए कि नाउ और नेवर ऑफर, कि आज नहीं लेंगे तो कल इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, 10% से इंक्रीज हो जाएंगे, कुछ भी ऐसे ऑफर्स आते हैं कि ये प्राइस एक दिन में ही बढ़ जाएगा 10 से 15%, तो आपको आज ही डिसीजन लेना है। तो लास्ट मोमेंट पे जो ये रश कॉल्स होते हैं ना, तो वो गलत लिए जाते हैं। तो बेटर है कि आप टाइम लें, जो भी आपको ऐसी चीज प्रपोज कर रहा है उनको बोलिए मुझे 2 दिन का 4 दिन का टाइम चाहिए, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा। तो वो आपको एक तो टाइम मिलेगा, आप उसके बारे में पढ़ पाएंगे, सोच पाएंगे और तब इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो चांसेस कम होंगे कि आप कोई गलत स्कीम में इन्वेस्ट होंगे। जब कोई भी आपको पुश कर रहा हो कि ये लास्ट डे है या कल ये ऑफर नहीं मिलेगी, तो जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है कि गड़बड़ हो, तो चेक जरूर करें। सो नेक्स्ट इज, फोर्थ पॉइंट इज कि आप क्वेश्चंस पूछें। जब भी आपको कोई ऐसी स्कीम प्रपोज कर रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिटर्न है, ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा, यू आर स्मेलिंग दी स्कैम, तो आप क्वेश्चन जरूर पूछें। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो, और आपको लग रहा है कि दी अदर पर्सन और दी अदर कंपनी इज अवॉइडिंग योर क्वेश्चन, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपके क्वेश्चंस का आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर मिल रहा है और आपको भी तसल्ली है, तो फिर आगे इन्वेस्ट करें। बट अगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको मतलब तसल्ली बख्श आंसर नहीं मिल रहे हैं, जो भी आप पूछ रहे हैं, जो भी आप इंक्वायर कर रहे हैं, जो भी आप मल्टीपल क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि आपका पैसा है अल्टीमेटली, यू हैव द राइट टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस, वो पूछें, अगर आंसर नहीं मिलता सैटिस्फैक्टरीली तो दैट मींस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे यू विल बी एबल टू स्मेल द स्कैम। नेक्स्ट इज, आफ्टर स्मेलिंग दी स्कैम, सो नाउ जब वो आपको कमिट कर रहे हैं कि 6 महीने में आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इतना गारंटेड रिटर्न है या इतना रिटर्न लास्ट में मिला है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उनसे पूछे कि कैपिटल गारंटी क्या है, जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरी कैपिटल की गारंटी क्या रहेगी। अगर मेरी कैपिटल की गारंटी है और पास्ट में कैसा रहा है, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आपकी बैलेंस शीट, PL&L रिपोर्ट्स, वो सब देखेंगे और बात करेंगे उसके बेसिस पे, तो आप कभी भी किसी भी स्कैम में नहीं फंसेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये कुछ स्कैम्स हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पैसा जिसने गवाया वो था एक रिटेल इन्वेस्टर। तो जिसने जो रिटेल इन्वेस्टर था वो अल्टीमेटली इसमें लॉस करके निकला, 90% ऑफ पीपल वर रिटेल इन्वेस्टर्स ओनली। तो इन स्कैम से अपने आप को बचाने के लिए ये 5 स्टेप्स जरूर फॉलो करें, ना ही आप इन स्कैम्स में फंसेंगे और आप एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे, और कल को आज आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने गलत डिसीजन लिया है। सो मैं आशा करती हूं कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक वाइज फाइनेंशियल लाइफ बनाने की कोशिश करेंगे और वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे आज से। एंड कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी फीडबैक है, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।